आमिर खान आजकल जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं और सोर्सेज की माने तो रिसेंटली आमिर ने जिम में कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया जिससे उनकी मसल पुल हो गई और अब आमिर खान को फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा है। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली ऋषि कपूर को 2 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था। कहा जा रहा है कि ऋषि कपूर पिछले कुछ समय से अपनी बैक पेन से काफी परेशान हैं। ऐसे में जब अचानक कुछ दिनों पहले उनका बैक पेन काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। एक्टर सैफ अली खान रिसेंटली एक डांस शो के सेट पर काफी ज्यादा इरिटेटेड हो गए थे और यहाँ उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट भी नहीं किया और अब सैफ के इस बिहेवियर पर उनके करीबियों का बयान आया है। उनका कहना है कि सैफ अली खान इस डांस रियलिटी शो के सेट पर गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थे, यही वजह है कि उन्होंने इस शो के दौरान मीडिया से इंटरेक्ट नहीं किया। खबरों की माने तो करीना कपूर ने 2 बड़ी फिल्मों के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। सोर्सेज की माने तो विधु विनोद चोपड़ा अपनी फरहान अख्तर और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म में करीना को कास्ट करना चाहते थे लेकिन बेबो ने विधु के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि करीना ने सुजय घोष की फिल्म दुर्गा रानी सिंह को भी करने से इनकार कर दिया है। खबरों की माने तो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मीटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में इन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक लेटर लिखकर अपॉइंटमेंट मांगी है। इस मीटिंग में फिल्म मेकर्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े डिफरेंट इश्यूज पर प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। खबरों की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट के मेकर्स ने फैसला किया है कि अपनी फिल्म की स्टारकास्ट की मौजूदगी में वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे। हम आपको बता दें इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग श्रीलंका में ही हुई है। सुनने में आया है कि एक्टर जैकी श्रॉफ को एक इंटरनेशनल फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। जग्गू दादा को ये ऑफर रिसेंटली उनके लंदन विजिट के दौरान मिला है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इज ऑल गियर्ड अप फॉर द 2014 फीफा वर्ल्ड कप दैट इज हैपनिंग इन ब्राजील। लाइक ऑल फुटबॉल लवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, शाहरुख रिवील्स टू अस दैट ही इज गोइंग टू स्टिक टू द टेलीविजन सेट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। After being a part of Kai Poche, an adaptation of Chetan Bhagat's bestseller The Three Mistakes of My Life, Rajkumar Rao is excited about Revolution 2020, another film based on the author's work. Rajkumar is nayi film ko lekar kafi excited hai aur sutron ki mane to ye film September mein shoot ki jayegi. Rumors are doing the rounds that Big B is still not ready to risk being seen as supportive or opposed to any political party. Narendra Modi ki prime ministerial oath-taking ceremony mein Big B nazar nahi aaye the. But the actor said, "Well, I congratulated him just like many others. I have a very busy schedule, I work late hours and couldn't make it to the swearing-in." After giving a party anthem, Varun Dhawan and Alia Bhatt's upcoming film Humpty Sharma Ki Dulaniya is out with a love song Samjhava. Samjhava is a slow romantic number sung by Aashiqui 2 singer Arijit Singh. But as per sources, Arijit fails to create the magic with this song. Insiders from the team of Sunny Leone's next item number Pink Lips from Hate Story 2 have revealed that the track will surely remind viewers of Sunny's smash hit Baby Doll. Besides the set and costumes that are somewhat similar, the song has also been composed by Meet Brothers. सोनाक्षी सिन्हा अपनी अगली फिल्म के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करेंगे। द गर्जनी डायरेक्टर हु प्लान्स टू मेक अ वुमन ओरिएंटेड एक्शन फिल्म विल मेक शॉटगन जूनियर डू सम हार्डकोर एक्शन सीक्वेंसेस फॉर व्हिच शी नीड्स टू मास्टर द आर्ट।